तो देखिए गाइस, फॉर विच स्टेट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर हैज इंक्रीज द मैक्सिमम लिमिट टू परचेज द मूंग एंड ऑल 240 क्विंटल्स पर फार्मर डे ड्यूरिंग 21-22। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, आगे चल के दिखाते हैं। देखो ये चीज़ देखो, इसका सॉल्यूशन कि अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम ड्यूरिंग द समर सेशन 2021-22 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एग्रीकल्चर परिचय का मूंग दाल को 25 क्विंटल से 40 क्विंटल तक का मध्य प्रदेश सरकार ने किसान के किसानों से। ठीक है, तो ये MSP का कभी कभी कंपटीशन में पूछ देते हैं, MSP का फुल फॉर्म पूछ देते हैं। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी फुल फॉर्म दो बार, एक बार तो UP मेट्रो में मिली थी मुझे, और ये CACP, ये बहुत जरूरी होता है, CAC कमीशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP का फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और MSP का होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये फुल फॉर्म बहुत, ये मुझे दो बार MSP दो बार पूछा था, एक बार UP मेट्रो में पूछा गया, एक बार HP का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फुल फॉर्म। तो ये CACP था, वो लॉन्च करा था एक ऑफिस थी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर द फार्मर्स वेलफेयर ने, ये देखो ये। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन पूछ देते हैं। अच्छा देखो, ये देखो और देखो डेटा और दिखाते हैं आपको। देखो तो मध्य प्रदेश होता है ना, ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ इंडिया, समझ रहे हो। ये इसके जो CM है वो शिवराज सिंह चौहान है, कैपिटल इसकी भोपाल है। फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द इसका जो था मध्य प्रदेश का बॉर्डर था प्रोडक्ट, सोयाबीन होता है, गरम होता है, गरम मतलब चना होता है, टोर होता है, मंसूर होती है और लिनसीड होता है। सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ मूंग दाल होता है, प्रोडक्शन ऑफ इसका जो होता है। तो इसके देखिए जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो थे वो नरेंद्र सिंह तोमर थे, इसी डिफाइन कर चुका। सेकंड प्रोडक्शन होता है मूंग होती है, मैज मक्का होती है, सीसम होता है, रिमेट होता है। थर्ड इसका जो होता है बीट वर्ले सरगम, इसी होती है, इसी मध्य प्रदेश की डिफाइन होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश डिटेल। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इज लाइकली टू ब्रिंग ऑन बोर्ड ऑल स्टेट्स इन द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS। ये इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना इन चीज़ों पर आजकल। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो होता है ये कौन सी डेट पर फिक्स करा गया था, कब डिपार्टमेंट प्रमोशन हुआ था इसका, इसका 3 मार्च 2023 में हुआ था। ठीक है, इसकी डिटेल्स आगे देखो बताते हैं। तो ये बोला NSWS नेशनल सिंगल विंडो सिंगल स्टेट सपोर्ट इसका जो होता है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ये सेंट्रल अप्रूवल रिक्वायरमेंट बिजनेस ऑपरेशन था, सितंबर 2021 में चलाया गया था, ये लॉन्च किया था सितंबर 2021 में NSW लॉन्च हुआ था। ये इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड के लिए था, DPPIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड इन वेस्ट इंडिया था। डिपार्टमेंट था एडकम था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ये अंडर द कॉमर्स का आता था। ठीक है, ये चीज़ें होती थी। इसके बाकी ये देखते हैं, FICCI का फुल फॉर्म होता है फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर, NASSCOM की फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरल ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये FCCI की भी, FICCI का जो फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज ऑफ इंडिया NASSCOM की, और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये CCCI है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। कह रहा है कि अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अ कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू द रिव्यू ऑफ द करंट प्रिसाइजिंग फार्मूला ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस टू इंश्योर अ फेयर प्राइस फॉर द कंज्यूमर इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर हुज लीडरशिप। तो इसकी होते कीर्ति परेख,
ये फर्स्ट होते हैं ठीक है। तो ये देखो इसका ऑप्शन बताते हैं ये कौन थे। सॉल्यूशन फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द पेट्रोलियम सिक्स दिसंबर को था वो थे हमारी कीर्ति परेख ठीक है। कीर्ति परेख इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं क्या थे ये मेंबर ऑफ फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री थी एज वेल एज द गैस प्रोड्यूसर एंड वायर द प्रोड्यूसर। जो फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री था इसमें क्या था एज वेल द मिनिस्टर ऑफ द एज वेल एज गैस प्रोड्यूसर एंड वायर विल बी इंक्लूडेड इन द कमिटी हेल्पिंग द प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग इन इसकी मीटिंग 2070 में नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए हुई थी 2070 तक। द मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी जो हमारे तो शेयर द गैस ऑफ 3.2% से 15% तक फ्रॉम गैस 15% इन्हें बोला है कि जो राइज द बंड राइज गैस शेयर 62% 15% तक 2030 में गैस इंडिया जो एनर्जी मिक्स हो जाएगी। तो ONGC एंड रिलायंस द आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द वाटर नेचुरल गैस ये दो चीज़ों ने कराया रिलायंस ने ONGC ने ठीक है वाटर नेचुरल गैस प्रोड्यूस कराया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पेट्रोलियम गैस के जो यूनियन मिनिस्टर जो पेट्रोलियम और गैस नेचुरल गैस के वह हरदीप सिंह पारोल है ठीक है। आगे चलिए जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैज लॉन्च द इंडिया यूएस स्टार्टअप सेतु ऑन 6 2022 इट वॉज रिसर्ट एट विच प्लेस। तो ये मेरा सैन फ्रांसिस्को को था सैन फ्रांसिस्को था। ये पीयूष गोयल थे ये कौन से थे सपोर्ट नहीं था इंटरप्रेन्योरशिप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अपस्किल से वे ऑफ सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट ऑफ द 6 2022 में करा। तो इसने क्या करता सपोर्ट थ्रू द स्टार्टअप ऑफ इंडियन इनिशिएटिव मार्क विद सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ द फेंडर ऑफ द स्टार्टअप। तो ये मार्क क्या था तो ये मार्क जो था एक पोर्टल था हेज विद लॉन्च करने का डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन इंडस्ट्री ऑफ द इंटरनल ट्रेड जो DPIIT था उसको पोर्टल लॉन्च करने का था एक पोर्टल था ठीक है। ये 16 जनवरी को ऑब्जर्व करा गया था 2016 में गवर्नमेंट ने ठीक है। इंडिया इज द बिकम थर्ड लॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप में और आफ्टर द US एंड चाइना के बाद। तो बेंगलुरु बेस्ड द नेटवर्क न्यू बैंक ओपन डेट तीन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस डीमैट अकाउंट्स सरपासेस टू व्हाट एक्सटेंट एज ऑफ अगस्त 2022 ये कह रहा था 10.5 करोड़ का 15 लाख का था ठीक है। ये देखो ये जो था जो इसको नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NDSL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट NDL लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस CDSL तो अराउंड 4.2 मिलियन न्यू डीमैट अकाउंट थे वर ओपन 2021 में खोले गए थे 1.2 मिलियन न्यू डीमैट अकाउंट खोले गए थे इसके थ्रू CDSL के थ्रू मतलब डीमैट अकाउंट होता है। ये SEBI की फुल फॉर्म जो होती है देखो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेशनल सिक्योरिटी एंड डिपॉजिटरी तो NDLS जो देखा ही है अभी देखा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस ऑफ इंडिया LTD CDSL ये भी देखा था मुंबई महाराष्ट्र में था ये बहुत मुंबई और महाराष्ट्र में बेस्ट है। ऑन द ऑकेशन ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द कर्तव्य पथ एट विच प्लेस द सेतु ऑफ सुभाष चंद्र बोस वाज अनविलीव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 8 September 2022 तो ये था इंडिया गेट ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 8 September 2022 में इनॉग्रेटेड हुए थे पार्थिव न्यू दिल्ली 8 September 2022 को
ऑन सेम डे आजान बिलीव 28 फीट स्टैचू 28 स्टैचू नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया गेट पर दिखाया गया। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज ऑब्जर्व्ड प्रक्रम दिवस एवरी 23 जनवरी मनाया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डोनेटेड 5,000 tons ऑफ राइस विच अफ्रीकन कंट्री इज सेप्टेम्बर 2022 सेप्टेम्बर में 5 टन्स राइस किसने अफ्रीकन को डोनेट करे वो करे थे मदागास्कर इन एम्बेसडर ऑफ द मदागास्कर मंगदास्कर अभय कुमार अनाउंस्ड द डोनेशन ऑफ 5,000 tons इन राइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री रेजलिन ऑफ द मदागास्कर। ये जो वर्ल्ड बाइसिकल डे जो मनाया जाता है वो हमेशा 3 जून को मनाया जाता है हर साल को वर्ल्ड बाइसिकल डे। ये जो मादागास्कर जो होता है इट इज एन आइसलैंड कंट्री ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर ग्रीनलैंड के बाद कैपिटल इसकी जो मदागास्कर से होती है मदागास्कर जो होती है वो अरेरी होती है इसी कारण से होती है अरेरी ठीक है अरेरी। द डील ऑफ विच द डील विद नेक्सल एक्टिविटी एंड ऑपरेशंस नेम्ड ऑक्टोपस इन द वीरा प्रहार एरिया इज बीइंग कंडक्टेड बाय द सीआरपीएफ इन विच स्टेट इन सितंबर 2022 तो छत्तीसगढ़ एंड झारखंड इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़ झारखंड में थी। तो इसकी डिटेल्स देखो हम आपको दिखाते हैं। अ मेजर नेक्सल ऑपरेशन नेम्ड ऑक्टोपस कनेक्टेड द व्यूरा प्रहार फिली रीजन द व्यूरा डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये ऑन 9 सितंबर 2022 द प्राइम मिनिस्टर टीवी फ्री इंडिया कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू एलिमिनेट टीवी फ्रॉम द कंट्री बाय विच ईयर ये 2025 तक का टारगेट है ठीक है टीवी मुक्त लॉन्च करेगा 2025 तक। तो इसके डिटेल्स दिखाते हैं आपको। ये बोला है गवर्नमेंट टीवी एलिमिनेटेड प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट मुर्मू ऑन 9 सितंबर 2022 जो गवर्नमेंट ने टीवी एलिमिनेटेड प्रोग्राम जो लॉन्च किया था प्रेसिडेंट मुर्मू का वो 9 सितंबर 2022 में करा था। तो ये इसका एम जो है एलिमिनेटेड विद डिसीज ऑफ 2025 टीवी को हम 2025 तक मुफ्त बनाएंगे तो ये द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर 2022 में करा था लॉन्च। तो इसके फैक्ट क्या क्या है देखो फैक्ट जो है ये देखो द नी कैसे नेक्स्ट मित्रा इनिशिएटिव विल बी आल्सो लॉन्च्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड वाइटर कम्युनिटी ऑफ द टीवी एलिमिनेटेड प्रोग्राम निश्चय है मित्रा पोर्टल ऑफ द इस प्लेटफॉर्म फॉर द डोनर ऑफ द प्रोवाइड भारत एंड फॉर द सपोर्ट दोज अंडर गोइंग द टीवी ट्रीटमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैप द कॉल टू इन टीवी कंट्री 5 ईयर्स अहेड ऑफ द SDG की फुल फॉर्म जो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG फॉर्म होती है जो हमारी रिलेटेड होती है किससे टीवी टारगेट 2030 एंड डेली एंड टीवी 2018 एवरी ईयर मार्च 24 इज ऑब्जर्व द वर्ल्ड ट्यूबरोसिस डे इन वर्ल्ड ट्यूबरोसिस डे इन वर्ल्ड मार्च ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोला इंडिया सेंस एन MOU इन सेप्टेम्बर 2022 विच कंट्री इन कोऑपरेशन इन विच द एजुकेशन फील्ड यूनाइटेड अरबन स्टेट एमिरेट्स यूनाइटेड अरबन
एमिरेट्स, ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन। कैबिनेट अप्रूव्स एमओयू साइनिंग बिटवीन इंडिया एंड यूएई ऑन कोऑपरेशन इन विच फील्ड ऑफ द एजुकेशन, ठीक है। तो द कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच वॉज ऑलरेडी साइंड विद द यूएई इन 2015 इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हैज एक्सपायर्ड 2018। तो इसमें क्या कह रहा था कि एग्रीमेंट विल बी द वैलिड ऑफ द पीरियड ऑफ 5 ईयर, इसका जो एग्रीमेंट होता है 5 साल के पीरियड होता है फ्रॉम द डेट साइनिंग, जिससे साइन से डेट हो गया, एंड विल बी द ऑटोमेटिकली रिन्यूएबल विद द कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टी, और दोनों पार्टी ऑटोमेटिकली उसे रिन्यूएबल कर देंगे। तो वन साइंड दिस एमओयू सुपरसेडी द अर्लियर एमओयू साइंड विद द यूएई 2015। तो ये इसके फैक्ट थे, ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस थे। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, देखते ये जीके टाइप के टेस्ट से हम अपनी आपको मॉक अवेलेबल यहाँ करेंगे फुल विद डिटेल के। थैंक यू गाइस।